नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। राजस्थान में गर्मी अब झुलसाने लगी है। मंगलवार को 8 शहरों को छोड़कर शेष सभी में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा। जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, भीलवाड़ा में कल सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। बाड़मेर में तो पारा 43 डिग्री तक पहुँच गया। वहीं जयपुर में दिन का अधिकतम तापमान लगातार दूसरे दिन 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि एक दो दिन में राज्य के कुछ शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर जा सकता है। इसके बाद लू का दौर शुरू हो जाएगा। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया से गर्म हवाएं आनी शुरू हो गई हैं। इससे गर्मी और बढ़ेगी और लू चलेगी। गो फर्स्ट एयरलाइन की दिवालिया याचिका पर एनसीएलटी ने फैसला स्वीकार कर लिया है। एनसीएलटी ने गो फर्स्ट की दिवालिया याचिका पर 4 मई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। एनसीएलटी ने एयरलाइन को राहत देते हुए मोरेटोरियम की मांग को भी मान लिया है। मोरेटोरियम यानी लेनदार किसी भी लोन के मामले में कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। लीज पर एयरक्राफ्ट देने वाली फर्म्स अपने प्लेन वापस नहीं ले पाएगी। ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। मैनेजमेंट का भी टेक ओवर कर लिया गया है। जस्टिस राम लिंगम सुधाकर और एलएन गुप्ता की 2 सदस्यीय बेंच ने कर्ज में डूबी कंपनी को चलाने के लिए अभिलाष लाल को इंटरिम रिजोल्यूशंस प्रोफेशनल यानी IRP नियुक्त किया है। वो एयरलाइन को रिवाइव करने के लिए मैनेजमेंट संभालेंगे। गो फर्स्ट के सस्पेंडेड बोर्ड को नियमित खर्च के लिए 5 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही सरकार आम जनता को खुश करने में जुट गई है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूल के 70 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को हर दिन फ्री में दूध देने का फैसला किया है। मंगलवार को राजस्थान सरकार ने बाल गोपाल योजना की समय अवधि को 4 दिन और बढ़ा दिया है। ऐसे में जो भी विद्यार्थी स्कूल जाएगा उसे शैक्षणिक दिनों में फ्री दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना के लिए 864 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। मणिपुर की हिंसा के बीच फंसे मध्य प्रदेश के 24 छात्र आज रात 8 बजे तक इंदौर आ जाएंगे। मंगलवार को सभी स्टूडेंट्स को असम राइफल्स के जवानों की सुरक्षा के बीच इम्फाल एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया, लेकिन जिस प्लेन से उन्हें इम्फाल से गुवाहाटी आना था उसमें तकनीकी खराबी आ गई। ऐसे में दूसरा प्लेन स्टूडेंट्स को लेने के लिए भेजा गया। इम्फाल की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, NIT और IIIT में पढ़ रहे स्टूडेंट्स ने मंगलवार रात 9:30 बजे दूसरे प्लेन से उड़ान भरी। इम्फाल से रात 10:30 बजे गुवाहाटी पहुंचे। यहां से फ्लाइट के जरिए रात 9:30 बजे छात्र कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे। कोलकाता में रात्रि विश्राम के बाद छात्रों की फ्लाइट आज शाम 5:45 पर उड़ान भरेगी। रात 8 बजे तक इंदौर एयरपोर्ट पहुँच जाएगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मैगजीन राइटर ई जीन कैरोल के यौन शोषण का जिम्मेदार ठहराया है। न्यूयॉर्क में 9 मेंबर्स की जूरी ने ट्रंप को हमला करने, यौन शोषण और मानहानि के केस में दोषी माना। इसके बाद ट्रंप कैरोल को मुआवजे के रूप में 41 करोड़ रुपए यानी $5 मिलियन देंगे। न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने सुनवाई के बाद मंगलवार देर रात ये फैसला सुनाया। हालांकि कोर्ट ने ये नहीं माना है कि ट्रंप ने कैरोल का रेप किया। मैगजीन राइटर जीन कैरोल ने 2019 में आरोप लगाया था कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1996 में मैनहट्टन के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में उनका रेप किया था। ट्रंप ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि कैरोल उनके लायक नहीं है, वो कैरोल को नहीं जानते और उनसे स्टोर में नहीं मिले। मैगजीन राइटर अपनी किताब को बेचने के लिए झूठी कहानी बना रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।